योग के जनक महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि गोंडा के ग्राम कोंडर पतंजलिपुरम में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली का साक्ष्य धर्मग्रंथों में भी मौजूद है। ग्रंथों के मुताबिक महर्षि पतंजलि अपने आश्रम पर अपने शिष्यों को प्रतिदिन की भांति पर्दे के पीछे से शिक्षा दे रहे थे। किसी ने ऋषि का मुख नहीं देखा था, लेकिन एक शिष्य ने पर्दा हटाकर उन्हें देखना चाहा तो वह सर्पाकार रूप में गायब हो गए। लोगों का मत है कि वह कोंडर झील होते हुए विलुप्त हो गए। यही कारण है कि आज भी झील का आकार सर्पाकार है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था। प्रतिवर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से चल रहा है। उसी समय में, उसी श्रृंखला में ये सवेरे योग का कार्यक्रम हुआ। पतंजलि जी ने योग ने चित्त, योग से चित्त की शुद्धि और व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद वैदक से मलन शरीर शरीर की शुद्धि किया और ऐसे पतंजलि ने यह कार्य करके पूरे विश्व को उपकृत किया है। यह महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है। यह कोरण नामक ग्राम सभा है और यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी की जन्मस्थली है। पूज्य गुरु जी डॉक्टर भगवताचार्य जी द्वारा शोध करके वो स्थान भी नियत कर लिया गया है जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन पूर्व में यह स्थान उपेक्षित रहा है। जबकि पतंजलि जी के नाम पर तमाम लोग योग और आयुर्वेद का कारोबार भी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस क्षेत्र का विकास करें।